नमस्ते, देवस्मिता किचन में आपका स्वागत है। आज हम मेथी साग आलू भुजिया बनाएंगे, तो आइए देखते हैं मेथी साग आलू की भुजिया बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट की जरूरत होता है। एक पाव मेथी का साग मैं अच्छे से पानी में दो बार साफ करके बारीक बारीक काट ली हूँ। राई 1/4 छोटी चम्मच, जीरा 1/4 छोटी चम्मच, 2 हरी मिर्च लंबाई में काट ली हूँ, 1/4 छोटी चम्मच से भी कम नमक, 1 मीडियम साइज का प्याज इसे भी मैं बारीक बारीक लंबाई में काट ली हूँ, 1 बड़ी साइज का आलू बारीक कटी हुई इसे भी मैं लंबाई में काट ली हूँ, 2 छोटी चम्मच ऑयल। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करके पैन बिठाते हैं, पैन को गर्म होने देते हैं। पैन हमारी गर्म हो गई है, अभी हम इसमें तेल डाल देते हैं। तेल गर्म हो गई है, अभी हम इसमें राई डाल देते हैं और गैस को थोड़ी सी धीमी कर देते हैं, नहीं तो राई आपके ऊपर चिड़क के आ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना होगा। जीरा डाल देते हैं, जीरा ब्राउन कलर हो गई है, अभी हम इसमें हरी मिर्ची डाल देते हैं। हरी मिर्ची को बस 15-20 सेकेंड के लिए फ्राई करेंगे। प्याज डाल देते हैं, प्याज आधा पकने तक हम इसे फ्राई करेंगे। प्याज आधी पक गई है, इसमें अभी हम आलू डाल देते हैं। 1/4 छोटी चम्मच से भी कम नमक डाल देंगे। नमक को आलू के साथ अच्छे से मिलाएंगे, इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। 2 मिनट हो गई है, अभी चेक कर लेते हैं। देखिए आलू हमारी आधी पक गई है, हल्का ब्राउन कलर भी हो गई है। अभी हम इसमें मेथी की साग को डाल देते हैं, अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसे मीडियम आंच पर ऐसे 7 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि हमारी साग अच्छे से पक जाए। बीच बीच में हम इसे इस तरह चला लेंगे ताकि हमारे सारे साग अच्छे से पक जाए और नीचे से जल न जाए। 7 मिनट हो गई है, देखिए हमारी साग अच्छे से पक गई है। इसे अभी हम सर्व करने के लिए दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। आपकी मेथी आलू भुजिया अभी सर्व करने के लिए रेडी है, आप इसे बनाइए, खाइए। आपको कैसा लगा इस वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। नमस्ते।